नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 20वें दिन की कथा, अध्याय 20 में वाल्मीकि मुनि का दीर्घन्वा से पुरुषोत्तम मास का नियम वर्णन। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दीर्घन्वा के पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दीर्घन्वा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दीर्घन्वा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। दीर्घन्वा बोले, हे मुने, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, इस लोक के हित के लिए मुझसे कहो, क्योंकि लोक हितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान ही है, अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है और यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृतांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की कथा सुनकर, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मेरा मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब पूजा विधान भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि मुनि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध होकर हाथ पैरों को साफ जल से और मिट्टी से धोकर शुद्ध करें, शुद्ध होकर दांतुन कुल्ला करें, दांतुन कुल्ला करने के पश्चात फिर स्नान करें और यदि आप इन दिनों में तीर्थ स्थल पर हैं तो तीर्थ स्थल पर भी पूर्णतः शुद्धि का ध्यान रखें। इन दिनों में दांतुन करते हुए निम्न मंत्र को पढ़कर ही दांतुन करें, आयुर्वलम यशो वर्चह प्रज्ञः पशुवसूनि च ब्रह्मा प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थात, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि प्रदान करें, बिना छित्र की 12 उंगल की ओंगा या बबूल की कनिष्ठा उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करें। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर आचमन करें, प्रातःकाल भली भांति स्नान करें, उसके पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण कर जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। बावड़ी कुआ तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम माना है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर और सायंकाल उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो या ऊर्ध्व पुंडु हो या त्रिपुंड, उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि ऊर्ध्व पुंडु में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड तिलक में पार्वती जी सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पांव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफेद ऊर्ध्व पुंडु तिलक ज्ञान को देने वाला है और लाल तिलक मनुष्य को वश में करने वाला है और पीला तिलक सब सिद्धियों को देने वाला है।
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें और ये सब पापों को नष्ट करने वाले और पूजा का अंग कहे गए हैं। जिनके शरीर पर शंख, चक्र आदि हों, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए, वे भगवान के नित्य शरीर हैं। जो शंख, चक्रादि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं, उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण की आयुधि से उनका शरीर चिन्हित रहता है। उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उनका क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हों तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़े हो अंजलि दें और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसकी निम्न मंत्र को बोलकर पूर्ति करें। यस्य समृत्या नामोक्तया तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनतम संपूर्णता याति संध्यो वंदे तमच्युतम्। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं उनको तीनों लोकों में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातःकाल के कर्म हैं। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें और फिर वृति पुरुष शुद्ध तथा मौन रहकर गोल व चौकोर गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र सहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहे। कलश के मुख में विष्णु है, कंठ में भगवान रुद्र है, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मध्य में मातृगण स्थित हैं, कोख में समस्त समुद्र तथा 7 दीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हैं। इस प्रकार कलश स्थापना करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों के नाश करने के लिए आए। फिर कलश का मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर सोने के राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबता हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, गृह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर रक्षा धर्म के लिए और धर्म रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान से मोक्ष सुलभ होता है, अतः धर्म का आचरण करें। देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म है। धर्महीन मनुष्य का शरीर बांझ वृक्ष जिसमें फूल व फल नहीं लगते उसकी भांति निष्फल है। माता पिता, मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, द्रव्य आदि कोई सहायक नहीं होता, केवल धर्म ही सहायक होता है। वृद्धावस्था सिंघनी की भांति डराती है। व्याधियां शत्रु के समान पीड़ित करती हैं। फटे हुए बर्तन में जैसे जल टपकता रहता है, इसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव भी दूसरों को पीड़ा देने और धन के अपहरण करने की लालसा करता है। मृत्यु के मुख में गए हुए आयु वाले पुरुष को क्या सुख आनंदित कर सकता है। पशु के वध स्थल पर ले जाने पर उसका भागना निरर्थक है। जब धर्म करने के लिए चित्त प्रबल होता है तब उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब पास में धन है तो सब धर्म की ओर चित्त नहीं होता। जब धर्म
कार्य में चित्र और धन दोनों होते हैं, तब उस समय सत्पात्र नहीं मिलता। जब इन तीनों चित्त, वित्त और सत्पात्र का मिलन हो जाए, तब बिना विचारे जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान है। उत धन होने पर हजारों प्रकार के धर्म कार्य किए जाते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास में थोड़े ही द्रव्य से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण होना, इतना ही सद्धर्म किया जाए तो वह महान भय से बचा देता है। जैसे गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धर है, विद्या ही धन है और गुण ही सौंदर्य है, ते ही सब मासों में साक्षात पुरुषोत्तम मास है। यद्यपि यह महा पहले सब यज्ञादि धर्म कार्यों में निंदनीय था, तथापि साक्षात कृष्ण भगवान का नाम के प्रभाव से यह पृथ्वी पर विख्यात हुआ है। जैसे सब प्राणियों के पैर हाथी के पांव में समा जाते हैं, वैसे ही सब धर्म और कलाएं पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाते हैं। जैसे गंगा जी के समान सब नदी नहीं होती हैं, ऐसे ही कल्प वृक्ष की भांति सभी वृक्ष नहीं होते हैं। जैसे पृथ्वी पर चिंतामणि के तुल्य अन्य रत्न नहीं होते, गौओं के कामधेनु के समान अन्य गौ नहीं हो सकती, राजा के समान अन्य पुरुष नहीं हो सकते, वैसे ही पुरुषोत्तम मास के समान कोई पुण्यकाल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास जैसा कोई मास नहीं है, इसके देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं। अतः श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। शास्त्रों में निपुण, शुद्ध, सत्यवादी वैष्णव ब्राह्मण आचार्य के द्वारा ही पूजा करावें। अंतःकरण में होने वाले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रूपी बड़ी मछलियों से अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार सागर को जो लोग लांघना चाहें, तो इस भारत खंड में आदि देव पुरुषोत्तम की ही विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 20वां अध्याय समाप्त।